सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कलरवेयर 6 के स्टेबल वर्जन के अपडेट के बारे में ओप्पो के F9 और F9 प्रो में। यहाँ पर ओप्पो के F9 और F9 प्रो में कलरवेयर 6 का जो बीटा वर्जन वाला अपडेट है वो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर उस बीटा वर्जन के अपडेट के आने के बाद काफ़ी सारे बग्स और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं ओप्पो के F9 और F9 प्रो में। इसलिए जितने भी यूजर्स हैं वो यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई इसमें यहाँ पर कलरवेयर 6 का जो स्टेबल वर्जन है वो हमें कब तक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ताकि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में आपसे सारा कुछ यहाँ पर इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तब इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जरूर सब्सक्राइब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ ओप्पो के F9 और F9 प्रो में कलरवेयर 6 के स्टेबल वर्जन के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर जो बीटा वर्जन का अपडेट है वो यहाँ पर बीटा टेस्टिंग के द्वारा मतलब काफ़ी सारे लोगों को 90% लोगों को जो अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट हो चुका है। कुछ ही परसेंट लोग अभी तक ऐसे बाकी हैं जिनको अपडेट ये नहीं मिला है, बाकी जितने भी लोग हैं उनको ये अपडेट यहाँ पर मिल चुका है। बात कर लेते हैं यहाँ पर इस अपडेट के स्टेबल वर्जन के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर जो प्लान है ओप्पो का कलरवेयर 6 का अपडेट देने के लिए बीटा वर्जन वाला, वो यहाँ पर अक्टूबर तक है। वो अपने सारे स्मार्टफोन को यहाँ पर अक्टूबर तक जो कलरवेयर 6 का बीटा वर्जन का अपडेट है उसको यहाँ पर पहले प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ये जो अपडेट है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके बाकी सारे और भी जितने स्मार्टफोन में यहाँ पर बीटा वर्जन में अपडेट अवेलेबल है उनको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा कलरवेयर 6 के स्टेबल वर्जन के अपडेट में, यहाँ पर एक नए FOTA अपडेट के द्वारा। अगर मैं बात करता हूँ इससे ओप्पो के सब ब्रांड रियलमी की, तो रियलमी भी अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन जितने भी उसके स्मार्टफोन थे एलिजिबल स्मार्टफोन थे यहाँ पर कलरवेयर 6 के अपडेट के, पहले उसने यहाँ पर बीटा वर्जन में अपडेट सारे स्मार्टफोन को यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो स्टेबल वर्जन में जो अपडेट है वो अपने सारे स्मार्टफोन को यहाँ पर प्रोवाइड कराई थी। तो वहीं सेम केस यहाँ पर ओप्पो के साथ भी होने वाला है। अक्टूबर तक आपको वेट करना है। अक्टूबर तक यहाँ पर जो लिस्ट है वो दी गई है ओप्पो की तरफ से कि अक्टूबर तक जितने भी स्मार्टफोन है एलिजिबल स्मार्टफोन है उनमें यहाँ पर अपडेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली अपनी कुछ वीडियो में बताया भी था, तो हम अक्टूबर के बाद हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर बाद नवंबर वगैरह में कि जो अपडेट है स्टेबल वर्जन वाला वो आपको ओप्पो के F9 और F9 प्रो में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही तो आप कुछ टाइम का यहाँ पर वेट करिए, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों, इधर कुछ इस वीडियो में आशा करता हूँ छोटी जानकारी उस समय आ गई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।